जुम में जो बॉक्स ऑफिस मेरी जान पठान आया है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 34 दिन कंप्लीट हो चुके और 35वां दिन चल रहा है पठान का। इस 34 दिन के अंदर पठान ने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी जेबें भर दिए पैसों से, और पैसों की जो सुनामी बॉक्स ऑफिस पे लाई है भाई साहब, टोटल 1022 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है पठान ने। अरे दोस्तों, शाहरुख खान की ये मूवी पता नहीं कितने रिकॉर्ड बना चुकी है अभी तक। अभी सबसे बड़ा और मेन अवार्ड है जिसे तोड़ना बाकी है, मतलब कि बाहुबली 2 का हिंदी का इंडिया का कलेक्शन। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ चाहिए। आपको क्या लगता है पठान ये रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएगा कि नहीं? मगर ज्यादा खुश मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि 2023 बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल साल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी मूवी ब्लॉकबस्टर होगी, कौन सी फ्लॉप होगी, ये तो भगवान ही जान सकता है, क्योंकि सेल्फी जैसी बहुत बड़ी मूवी भी डिजास्टर हो गई थी दोस्तों। अभी कुछ कह नहीं सकते, मगर इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पठान जो रिकॉर्ड बनाएगा ना, वो टूटेगा ही टूटेगा, वो भी 2023 के अंदर, क्योंकि बहुत सारी मूवीज आने वाली है जिसमें से सालार सबसे बड़ी है, उसके बाद आदि पुरुष, उसके बाद जवान, पुष्पा 2 भी आ सकती है, पता नहीं कौन सी मूवी रिकॉर्ड तोड़ेगी, और हमारे थालापति विजय की लियो मूवी को कैसे हम भूल सकते हैं भाई। अभी कुछ भी हो सकता है, कौन सुपर हिट हो, कौन ब्लॉकबस्टर हो, कौन डिजास्टर हो, मगर एक चीज तो गारंटी है कि पठान का जो भी रिकॉर्ड होगा वो टूटेगा ही टूटेगा 2023 के अंदर। अभी बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं तो ये 34 दिनों के अंदर बहुत सारी मूवीज ने अपनी दस्तक दी थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर कि हम भी पैसा कमाएंगे, मगर किसी की स्टोरी अच्छी नहीं थी, किसी का स्क्रीन प्ले, किसी की विजुअल, किसी की पता नहीं कौन सा नशा चढ़ गया था कि एक एक करके सारी मूवीज ऑन द मूव गिर गई और बन गई सबसे बड़ी डिजास्टर। फिर चाहे वो एंटमैन हो या शहजादा या फिर हमारी सेल्फी, ये सारी मूवीज ने बहुत ज्यादा प्रमोशन किया, सभी जगह हाथ पैर मारे, मगर क्या करे, जो लिखा होता है वही होता है। पब्लिक को ना पसंद मतलब ना पसंद, पब्लिक को जो पसंद मतलब ब्लॉकबस्टर। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, अगर मूवी अच्छी बनी हो और पब्लिक को पसंद आ गई, अगर ये दोनों चीज़ें मिल गई ना दोस्तों, तो फिर ऊपर वाला जो छप्पर फाड़ के देगा ना भाई, वो कलेक्ट करने में ही आपके सालों लग जाएंगे। देगा तो छप्पर फाड़ के देगा और लेगा तो भी छप्पर फाड़ के लेगा। मगर मैं तो वेट कर रहा हूँ भोला मूवी का और तू झूठी मैं मक्कार मूवी का, ये दोनों मूवी भी एंट्री लेने वाली है मार्च मंथ के अंदर। अभी देखने की बात दिलचस्प होगी कि पठान उस टाइम तक टिकेगी कि नहीं टिकेगी, क्योंकि बीच में और कोई मूवीज आने वाली नहीं है। अभी सीधा 7 और 8 तारीख को मूवीज रिलीज होगी। आपको क्या लगता है इसके बारे में, पठान अभी और कितना ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।